वेलकम टू एलोरास किचन एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं क्रिसमस लाइट्स देखने के लिए सियाटल में। यहाँ पे पहले हम आ गए हैं कॉस्को। कॉस्को में पहले ऑयल डालेंगे गाड़ी में, उसके बाद जाएंगे। तो पहुँच गए हम लाइट्स के पार्क में और यहाँ पे बहुत ही भीड़ है क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं देखने के लिए। और यहाँ पे जो टिकट्स है वो $20 का दे रहे हैं एक कार के लिए। और यहाँ पे बहुत लंबा लाइन लगा है, ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स हमें लग गया बस खड़े होके। फिर उसके बाद हमें अलाउ किए जाने के लिए। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया सारा। लाइट्स देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे लाइट्स बहुत ही अच्छे से किए हैं। ये डायनासोर ये सब देख के अर्नब तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। अर्नब मेरा बेटा है, वो 7 ईयर्स का है। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो अभी बस ड्राइव थ्रू का ही दिखा रहे हैं, लाइक चल के देखने के लिए नहीं है ये ड्राइव थ्रू ही करना पड़ता है। और कहीं कहीं जगह पे मतलब ऐसे चल के भी देखते हैं, लाइक वो वाला इतना ज़्यादा लाइटनिंग नहीं किए हैं। ये वाला हमारे घर से ऑलमोस्ट 50 माइल की दूरी पे है। 1 घंटा लग गया हमें आने के लिए रास्ते पे और बहुत ही ठंड है। बहुत सारे जगह पे ऐसे लाइटनिंग किए हैं, घर पे भी जो अपना खुद का घर है जिसका, वो लोग सब लगाए हैं लाइट्स। तो वो लोग वहाँ पे भी मतलब देख रहे हैं जाके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कहीं कहीं पे 24 तक था, कहीं कहीं पे 2nd और 3rd जैन तक लाइट्स हैं। तो यहाँ पे थर्ड जैन तक लाइट्स हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे देखने के लिए। तो सियाटल में ऐसे ही लास्ट ईयर जो सेलिब्रेशन हुआ था, एक बेलव्यू करके एक नाम है सिटी, वहाँ पे हुआ था स्नोफ्लेक लेन में। वहाँ पे सब आके डांस वैंस किए थे, बहुत सारा अच्छा से सेलिब्रेशन हुआ था। बस बट इस बार वहाँ पे भी बस ऐसे ही लाइट्स बस लगाए हैं, जो कि ख़त्म हो गया 24th को और हम लोग देख भी नहीं पाए इस बार। तो हम लोग सोचे कि कहीं दूसरे जगह चलते हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पे देखे थे, तो इसलिए इस बार यहाँ पे आ गए देखने के लिए। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है रास्ते भर, मतलब बहुत अच्छे से सजाए हैं। ये 30 मिनट्स का बस ड्राइव था, ज़्यादा भी नहीं था, 30 मिनट्स का ही था, लेकिन बहुत ही मस्त लग रहा था। तो जनरली मैं अपने ब्लॉग में फूड का रेसिपीज़ का वीडियोस डालती हूँ या फिर गाने का भी 1-2 वीडियोस है। तो मैं सोची कि इसको भी लाइक हिंदी ब्लॉगिंग चैनल बना देती हूँ। मेरा ऑलरेडी एक उड़िया ब्लॉगिंग चैनल है जो जिसका नाम है उड़िया ब्लॉगर एलोरा। तो आप लोग कोई उड़िया है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो मैं सोची क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि नॉर्थ इंडियन है, तो वो लोग बोलते हैं कि हिंदी में ब्लॉग करो। बहुत सारे लोग साउथ इंडियन हैं, वो लोग बोलते हैं इंग्लिश में ब्लॉग करो, तो इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं लगेगा, सोची मैं कि हिंदी में कर लेती हूँ। तो बहुत सारे जो है हिंदी तो एटलीस्ट समझ ही जाते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉग कर रही हूँ। ये वाला मेरा पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग होगा हिंदी के लिए, ट्रैवलिंग प्लस फूड ब्लॉग। इसमें भी मैं आपको छोले भटूरे का रेसिपी दिखाऊँगी और भटूरे कितना सॉफ्ट बना है, वो कैसे बना है, उसका टिप्स भी दूँगी। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये लाइट्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो सियाटल में हमें बस एक ही साल हुआ है, अगस्त में हम आए थे लास्ट ईयर, तो ये साल अगस्त में 1 साल हो गया। तो बस यहाँ पे बहुत ही ठंड जगह है सियाटल। यहाँ पे जैसे विंटर्स में तो 2-3 डिग्री हो जाता है रात को, और ऐसा भी मतलब स्नो भी पड़ता है, लाइक ईयरली एक ही बार होता है, वो भी बस 3-4 दिन के लिए, मैक्स 7-8 डेज़ के लिए स्नो रहता है। इससे ज़्यादा स्नो नहीं होता है, लेकिन पास में बहुत सारे माउंटेंस है जहाँ पे बहुत सारे स्नोज़ गिरते हैं, लाइक पूरा विंटर 6 महीने तक ही स्नोज़ गिरते रहते हैं। तो वहाँ पर स्की वगैरह होता है, बहुत अच्छा अच्छा वीडियोज़ है मेरे उड़िया चैनल में, तो बहुत सारा वीडियोज़ भी मैं यहाँ पर लाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी आपको क्वेश्चन हो US के बारे में या फिर सियाटल के बारे में, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको कैसा लगता है वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
finds your suit. Oh my god! Oh, look at that guy. He's just like doing. It's like a stone playing football. Oh my god. Hello, my friends. I'm a snowman. I'm a snowman riding again. Oh, that's peace on earth. Mama, can you see the peace on earth? Yes. This cool? Yeah, that's so cool. Peace on earth. Yes, we're going to the red and white thing. Let's do this, my boys. Let's do this. We are so close. Oh, this is the epic part. Oh! Oh, welcome! This is so cool. This is like hurting my eyes, man. It's so cool. This. I don't know. I don't think he's like cycling. I think he's like swimming. What are these two doing? I think. Bye. Say bye. Bye. Oh wait. Launch a flingy thing. Oh wait, that. So finally, हम लोग का घूमना हो गया खत्म. हम लोग फिर घर निकल गए. फिर यहाँ से घर में आके मैं छोले भटूरे बनाऊँगी. तो ये बेलव्यू का बिल्डिंग से, तो घर में पहुँचते ही मैं भटूरे बना रही हूँ. पहले तो 2 कप का मैं मैदा ले रही हूँ. पहले उधर मेरा बेटा खड़ा है हरना, और यहाँ पे 1/4 कप सूजी ले रही हूँ. उसमें मिलाऊँगी 1/2 चम्मच चीनी, पिंच ऑफ सॉल्ट, दही 1/2 कप और थोड़ा सा तेल और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून. सब मिला के अच्छे से मिला लेंगे पहले. उसके बाद मैं पानी लेकर धीरे धीरे उसको मिक्स कर लूँगी, एक डो बना दूँगी जैसे रोटी का बनाते हैं. तो थोड़ा गीला ही रखना है आटे को, ज़्यादा आटे नहीं सॉरी मैदा को, नहीं तो फिर वो ज़्यादा हार्ड होगा तो सॉफ्ट नहीं होगा जब हम भटूरे बनाएंगे. तो इसको मैं लेके ऑलमोस्ट 1/2 घंटे तक इसको पीट पीट के ऐसे ये करूँगी, डो बनाऊँगी इसका. तो ये सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से. फिर उसके बाद मैं अभी उसको तेल लगा के फिर कवर कर लूँगी. ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा कवर कर लूँगी. अगर ठंडे का मौसम है तो 3 से 4 घंटा कवर भी कर सकते हैं, नहीं तो 2 घंटा भी इनफ है. तो इसको मैं अभी रख लूँगी. अभी मैं जाके पहले छोले बनाऊँगी. छोले मैंने भिगो के रख लिया था सुबह से. तो अभी मैं इसमें पानी दे रही हूँ 1 कप और 1/4 ग्लास सॉरी, और हल्दी दे रही हूँ, नमक दे रही हूँ. इसको बॉईल कर लूँगी. चाय का अगर टी बैग से उसको भी डाल सकते हैं. पहले ऑयल ले रही हूँ, उसमें सारा गरम मसाला जितना भी है, इलायची, दालचीनी, सारा मैं पहले डाल रही हूँ. फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ. फिर ऑनियन 1/4 डाल रही हूँ. उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे. उसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून डालेंगे. उसके बाद
टमाटर में डेढ़ लाइक एक एंड वन एंड हाफ डाल रही हूँ। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक सॉफ्ट हो जाएगा। सॉल्ट, टर्मरिक के बाद छोले का मसाला डाल रही हूँ। एवरेस्ट का मेरे पास था तो वो डाल रही हूँ। तो धनिया और जीरा का पाउडर ज़रूरत नहीं है, और रेड चिली पाउडर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, बच्चा खाएगा तो इसीलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और उसको कवर करके मैं उसको सॉफ्ट होने तक कवर कर लूँगी। चाट मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ खट्टापन लाने के लिए, और थोड़ा सा दही भी डाल रही हूँ, थोड़ा उसका टेस्ट इन्हांस होगा, तो रेस्टोरेंट साइज थोड़ा बनेगा, इसीलिए ये सब ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और धनिया का पत्ता डाल रही हूँ अभी, उसको सबको मिक्स कर लूँगी। जब मसाले से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम में मैं छोले डाल दूँगी अभी। तो छोले मेरा अच्छे से बॉयल्ड हो चुका था, 2 सीटी मैंने दिया था। तो हमारा छोले अभी तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। तो फर्स्ट टाइम मैं भतूड़े बना रही हूँ इस बार, नहीं तो मैं जनरली पूरी बनाती हूँ, भतूड़े कभी नहीं बनाई थी। तो मुझे लगा कि ये अच्छे से होगा या नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ था। ये देखिए, मैं भतूड़े के लिए अभी जैसे आटे का डो आटे के लिए लेते हैं जितना साइज़ का, उससे डबल साइज़ ले रही हूँ, क्योंकि भतूड़े थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा मोटा रहता है, तो इसलिए 2 ले रही हूँ। फिर थोड़ा ऑयल लगा के इसको मैं अभी रोल कर लूँगी। मैदा लगा कर भी कर सकते हैं, ऑयल लगा कर भी कर सकते हैं। मैं ऑयल लगा कर रही हूँ, और इसको थोड़ा हाथ से भी मैं इधर ऐसे वैसे करूँगी सो दैट थोड़ा वो लंबा हो जाए। और तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो उसको मैं डाल दूँगी। देखिए कितना अच्छे से वो फूल भी रहा है आराम से। तो पहला वाला जो था मेरा थोड़ा ज़्यादा कलर हो गया, थोड़ा मतलब जलने टाइप थोड़ा ज़्यादा कलर हो गया, और सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स वो अच्छे से हुआ था। तो देखिए ये मेरा अच्छे से फूल गया है, ये वाला सेकंड वाला भी अच्छे से हुआ है, और बहुत ही सॉफ्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम है इतना सॉफ्ट अच्छा हुआ है। और बेकिंग सोडा मैंने नहीं डाला है, क्योंकि बेकिंग सोडा का एक स्मेल आता है, तो मैं सोची कि थोड़ा बेकिंग सोडा अवॉइड करूँगी इस बार। मैं एक बार कचौरी बना रही थी, उसमें सोडा का स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैं बेकिंग पाउडर से बना रही हूँ इस बार बस, नहीं तो सोडा डालेंगे तो वो भी हो सकता है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है भटूरे हमारा। तो हो गया हमारा छोले भटूरे रेडी रात के डिनर के लिए। तो देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, और थोड़ा सा अचार और ऑनियन भी ले लिया, जैसे रेस्टोरेंट में देते हैं उसी तरह का ले लिया हमने भी। वो अचार भी आप छोले में मिला के खा सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, खट्टा सा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। देखिए भतूरे कितना सॉफ्ट हुआ है, और हम लोगों ने सब एंजॉय किया इसको, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो आज का वीडियो आप लोग को सबको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ये इसमें हिंदी ब्लॉगिंग चैनल, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस, और लाइक कीजिए और अपना कमेंट शेयर कीजिए। एंड विश यू ऑल ए वेरी एंड प्रॉस्परस हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर, सी यू, बाय। You guys want to say bye to my friends? I have hiccups. Okay, say bye. 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 Have a very good time. Bye.